तो गुरु ओपेनहाइमर के बाद आरडीजे का नेक्स्ट प्रोजेक्ट द सिंपथेसाइजर है, जिसे भाई अपने पैरासाइट के ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर पार्क चोक वूक बना रहे हैं, जिसमें भाई आरडीजे चार कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले हैं, जिसमें वो एक सीआईए एजेंट होंगे जो कि भाई सीरीज में द कैप्टन को मेंटोर करेंगे। उनका दूसरा कैरेक्टर होगा नीको, जो कि भाई एक फिल्म मेकर है, जो कि भाई इंस्पायर्ड है फ्रांसिस फोर्ड कपोला से। उनका तीसरा कैरेक्टर होगा प्रोफेसर हैमर, जो कि भाई कैप्टन के ओरिएंटलिस्ट ग्रेड स्कूल का प्रोफेसर होगा। एंड उनका चौथा कैरेक्टर आता है एक पॉलिटिकल कांग्रेसमैन, जो कि भाई सदर्न कैलिफोर्निया में स्थित वियतनामी अमेरिकन को अपील करने की कोशिश कर रहा होगा। मिनी सीरीज की कहानी बेस्ड है 2015 के नॉवल पे, जहां भाई कैप्टन नाम का एक कैरेक्टर है, जो कि भाई नॉर्थ वियतनाम का प्लांट है साउथ वियतनाम आर्मी में, जहां भाई वियतनाम वॉर के एंड के दौरान में वो मजबूर हो जाता है अमेरिका भागने के लिए अपने जनरल के साथ, जहां पे वो अपनी वियतनामीज रिफ्यूजी कम्युनिटी में जीते हुए वो अपनी सीक्रेटली यूएस पे स्पाई कर रहा होता है और अपनी रिपोर्ट्स वापस वियतकोंग को भेज रहा होता है, जहां उसके स्ट्रगल्स चल रहे होते हैं कि भाई अपने देश के लिए लॉयल्टी बरकरार रखे या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक नई बेहतर जिंदगी का पार्ट बने।